अब मैं एक बात कर रहा हूँ सारे अच्छी तरह याद कर लें मसलन किसी को अल्लाह ने पैसा बहुत नहीं दिया हो सकता है जहन बहुत अच्छा दिया हो किसी को अल्लाह ने जिस्म ज़्यादा मज़बूत दिया हो कोई और ख़ूबी ज़्यादा दी हो तो पैसा नहीं है जो है उस पर तो शुक्र करो उस पर शिकायत क्यों करते हो अगर पैसा नहीं मिला है तो उसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी है लेकिन इतना तो मिला है ना कि गुजर कर सकते हो लालच बुरी बला है लालच दो 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 दो। आप कहते भी हैं फिर भी लालच करते हैं अल्लाह ने कुछ नहीं दिया तो उसकी हिकमत है वो ही बेहतर जानता है हमें शिकायत नहीं, नहीं करनी चाहिए शुक्र करें हाँ मांगना है जायज चीज मांगे मांगने से मना नहीं, नहीं किया गया मैंने आपको बताया था एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे उनका एक बड़ा चहीता लाडला मुरीद था बहुत प्यार करते थे उसको शफक़त फरमाते थे उसको उस लाडले मुरीद का कोई दोस्त था वो उसको बहुत प्यारा था लेकिन वो नाबीना ना था बीनाई से देखने से बसारत से साइट पावर से महरूम था वो जो लाडला मुरीद था कहने का मेरा ये एक ही दोस्त है और ये देख नहीं सकता ये भी मेरे साथ देखे जाम जाए इकट्ठे जाए कितना अच्छा होगा तो आप अल्लाह वाले हैं अल्लाह से इसके लिए आंखें मांग लीजिए बुज़ुर्गों ने फरमाया अल्लाह ने आँखें नहीं दी हैं तो इसमें हिकमत होगी इसके लिए इसी तरह बेहतरी होगी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो उसने कहा नहीं जी इतना आप मुझसे प्यार करते हैं इतना कहते हैं तुम इतने प्यारे हो मेरी एक बात नहीं पूरी कर सकते उसने जिद की उन्होंने दुआ फरमाई अल्लाह ने उसको आँखें दे दी जब आंखें मिल गईं तो पहली बार आंखें मिलीं अब वो दुनिया देख के एकदम हैरान हैं ये भी है ये भी है यूं भी है वो सब कुछ देखने लगा वो अपने आप पर काबू न रख सका उससे देखने में करने में क्योंकि पहले आंखें नहीं थीं जैसा चल रहा था लोग उसके साथ हमदर्दी करते थे अब आंखें मिल गई तो अब एकदम समझ ही ना आई कि आंखों का इस्तेमाल कैसे करना उससे कत्ल हो गया जेल में डाल दिया गया कि अब ये जेल में रहेगा फिर फांसी दी जाएगी ओह चहीता मुरीत दौड़ा हुआ या हजरत पर मैं तुझे कहा था तुझे कहा था कि अल्लाह ने अगर आंखें नहीं दी हैं तो उसकी हिकमत है उसी में बेहतरी कम अज कम आज़ाद था अपनी मर्जी से अब जेल में अब बोल क्या करे कतल कर दिया उसने तो तुझे समझाया था हाँ अल्लाह से मांगते जरूर मांगते मना नहीं था मगर तुमने जिस तरह जिद करके इसको दिलवाया तो पता क्या चला अल्लाह जो खुद देता है उसकी हिफाजत भी होती है जो आप मांग के लेते हैं फिर आपसे हिफाजत नहीं होती जो आपने मांग के लिया अब आपके जिम्मे उसकी हिफाजत वो आपसे होती नहीं है और आपसे खराबी हो जाती है तो हम शिकायत करते हैं हमें क्या करना चाहिए ऊंची आपको कई मरतबा रमदान में ये वाक़ सुनाया है आपके जेनों में होगा अगर नहीं है तो ताज़ा कर लें हज़रत मूसा सलाम के पास एक शख्स आया मेरे घर में कुत्ता भी है मेरे घर में मुर्गा भी है मैं चाहता हूँ मुझे उन दोनों की बोली आ जाए जो वो बोलते हैं मैं समझ लूँ क्या बोल रहे हैं मऊसा सलाम ने फरमाया ये ख्वाहिश अच्छी नहीं है।, नहीं है क्या फायदा हज़रत जी बस शौक है जानवरों की बोली आ जाए चले सबकी नहीं आती तो जो घर में दो जानवर हैं ना उनकी बोली आ जाए आपने बहुत समझाया वो माना नहीं, नहीं।, नहीं। आपने दुआ कर दी नबी ने दुआ की अल्लाह ने कबूल फरमा ली उसको बोली आ गई घर पहुंचा अब रात को सोया है सुबह जल्दी उठूं और मुझे पता चलेगा कि क्या होगा घर की खादिमा ने रात का दस्तरखान झाड़ा तो कुत्ता भी लपका और मुर्गा भी लपका वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा था वो मुर्गे ने ले लिया तो वो कुत्ता उसको बोलने लगा कि ये मुझे दे दे उसने कहा सुन मैं गोश्त नहीं खा सकता मुर्गे ने क्या कहा मैं गोश्त तू खा सकता है हड्डी भी खा सकता है मैं वो चीजें नहीं खा सकता तो ये टुकड़ा मुझे मिला है रहने दे सुन कल जो ये हमारा मालिक है ना जिसके पास हम रहते हैं इसका घोड़ा मरेगा इसका घोड़ा मरेगा।, मरेगा तो लाजमी बात है मैंने तो खाना नहीं तेरे लिए गोश्त ही गोश्त होगा तू मजे से खाना जितना चाहे ये चूंकि बोली सीख चुका था इसने सुन लिया है मेरा घोड़ा मरेगा वो फौरन गया बाजार में जाके घोड़ा बेच दिया कि मैं नुकसान से बच जाऊं बड़ा खुश हो गया अगली सुबह फिर इसी तरह हुआ कुत्ते ने कहा तूने कहा था कि घोड़ा मरेगा देखिए कितना चालाक है इसने जाके घोड़ा बेच दिया मुझे कुछ नहीं मिला आज तो मुझे दे दे उसने कहा फिक्र न कर कल इसका ग़ुलाम मरेगा कल इसका गुलाम मरेगा उस पर खाना होगा तुझे मिल जाएगा इसने जब यह सुना ये ग़ुलाम भी बेच आया जाकर ग़ुलाम को भी बेच दिया कि मुझे इसका भी नुकसान ना अगली सुबह फिर वो मुर्गा बड़ा शर्मिंदा हुआ कहने लगा ये बहुत चालाक है इसने देख घोड़ा भी बेच दिया मुर्गा भी वो ग़ुलाम भी बेच दिया हैं तू तु, मैं तुझे रोज़ बताता रहा अब फ़िक्र न कर कल ये ख़ुद मरेगा कल ये खुद, खुद, मरेगा। खुद मरेगा और फिर इसके सारे लोग जो हैं खाना भी करेंगे बहुत कुछ होगा तो फिक्र न कर तेरे लिए कल बहुत इंतज़ाम अब इसने अपना सुना तो अब अपने आप को जाके कैसे बेचे रोता हुआ आ गया मूसा सलाम के पास जी ये बात है फरमाया तुझे कहा था ना मत सीख तूने बोली सीखी तो अब उसका इस्तेमाल तुझे नहीं आया जब पता चलेगा पता चला कि घोड़ा मरेगा वो तेरी जान का सदका हो जाता तुझसे बलाएं टलती तुझे पता चला गुलाम मरेगा वो भी तेरे लिए सदका हो जाता तू बलाओं से बचता तूने पैसे बचाने के लिए दोनों को बेच दिया अब अपने आप को भी जाके बेच दे ना तूने पैसे बचाए ना अपनी जान की तो फिक्र नहीं कि वो तेरी जान कितनी चीज़ें हमसे चली जाती हैं वो जान का सदका बन जाती हैं तो तेरे लिए उसमें था लेकिन तूने नहीं किया अब सेवाए इसके कि मैं तेरे लिए दुआ करूं कि अल्लाह तुझे माफ़ कर दे और तेरी बख्शिश हो जाए और कुछ हो सकता नहीं तो देखें इंसान की ख्वाहिशें क्या नतीजा निकलता है क्या हासिल होता है तो हम अल्लाह का शुक्र करें तो अल्लाह का वादा है ल इन तुम ला अजीदुम तुम शुक्र करोगे नेमत ज्यादा कर दी जाएगी तुम्हारे हम शुक्र करते हर वक्त शिकायत 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 शिकवे कंप्लेंट्स थैंकफुल नहीं होते अल्लाह का शुक्र नहीं करते तो मुझे और आपको अल्लाह पर शुक्र करना चाहिए और आज काफिरों को देख के हम लोग कहते हैं देखो ये है ये है ये है तो ये जो काफिरों को देख के ख्वाहिशात बना लेते हैं ये अच्छी बात नहीं। उनके लिए ये दुनिया ऐश खाना है हमारे लिए क़ैद खाना आखिरत उनके लिए नहीं है आख़िरत में हमारे लिए ऐश होंगे अगर हमने ईमान लाकर नेकी की होगी शुक्र किया होगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तिलकदार हम उनके लिए जो लोग क्या करते हैं न जालू हाल यूरी दूना उलुवन फिल वला फसादा आख़िरत का घर मरने के बाद बरजख बरजख के माने पर्दे के वो कबर हो कुछ हो कयामत तक का ज़माना बरजख का हमारी आँखों से छुपा हुआ है पर्दे में है ओझल है उसके बाद आख़िरत वो हमेशा के लिए तो आख़िरत का घर अल्लाह फरमाता है हम उनके लिए करते हैं जो ज़मीन में तकब्बर नहीं चाहते और ना फसाद करते हैं ना फसाद चाहते हैं फसाद खराबी को कहते हैं वो किसी तरह हो अब हमें जब ये बात मालूम हो गई तो क्या हमें तकबर करना चाहिए आप लोग गुरूर कहते हैं ये गुरूर के माने धोखे के होते हैं क्या माने आप समझ रहे हैं मैं बड़ा कुछ हूं ये धोखा ही दे रहे हैं ना अपने आप को मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ अल्लाह ना चाहे हम कुछ कर सकते हैं <laughs> ओ ये गुरूर अच्छी चीज नहीं किसको छाया है रबता आला तकबर उसी को छाया है उसी की जात हम कर सकते <laughs> हमें अगर वॉशरूम जाने में मुश्किल हो जाए पेशाब ना निकले जान पे बन जाती है पानी ना मिले ना पिए तो जान पे बन जाए जो पिया है वो ना निकले तो जान पे बन जाए हम किस बात पे गुरूर करते हैं क्या है तो तकबर जो नहीं चाहते जो फसाद अब हुक्मरानों को देखो सियासत वालों को देखो या दूसरे अगर कोई आलिम है कोई पीर है कोई नाथान है कोई कारी है कोई ताजर है कोई जनाब किसी तरह का भी है वो अगर तकबर करने लग जाए तो ये उसके लिए अच्छा नहीं, नहीं।, नहीं। आख़िरत का घर किन के लिए है जो तकबुर नहीं करते जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं जिनको कयामत पर ईमान है उसके लिए नेकियां जमा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो नेकियां लेके जाऊं वो राजी हो मुझसे उनके लिए है आखिरत का घर जो दुनिया में मस्त है उनके लिए ऊंची एक भलाई का बदला कम अज कम कितना है दस गुना आगे आयत आ रही है मैं आपको बताता हूं अब हमने क्या करना है हमने तकबर ऊंची बड़ा बोल नहीं, नहीं बोलना और हमें आदत है हमें आदत है मैं हूं आप हूं, अक्सर कोई कोई बचाओ बड़ा बोल ये ज़बान हम पर कितनी आफतें लाती हैं हम सोचते नहीं गुस्से में ख़ुशी में क्या कुछ कह जाते हैं फिर पूरा नहीं कर पाते तो तकबर जिस तरह भी हो वो उस जबान से हो अमल से हो दिखावा हो वो इंसान के लिए हरगिज़ अच्छा नहीं है और फसाद करना जायज़ को नाजायज़ कहना हराम को हलाल कहना हलाल को हराम कहना ये भी फसाद है। गंदगी डालना अच्छाई और भलाई को फैलाने की बजाय बुराई की तरफ लगाना गलत चीज़ों को फैलाना ये क्या है फसाद तो जो फसाद करे जो तकबर करे उसके लिए आखिरत में कोई खैर वतुल आकेबत अंजाम जो है नेकों के लिए है मुतकीयों के लिए है परहेजगारों के लिए है जो अल्लाह से डरे गुनाहों से बचे जिन्होंने दुनिया में नेकी में वक्त गुजारा अल्लाह से डरते रहे आखिरत और अंजाम उनके लिए है अल्लाह हम सबको नेकी की तोफ़ी कता फरमाए बहुत लोग समझते हैं मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा मुतकी रहना मुतकी गुजशत जुम्मे आपने हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह के बारे में सुना अल्लाह ने उनके लिए क्या फ़रमाया वसाई जन्नबल अतका उनको अतका फ़रमाया वो नरे मुतकी नहीं अतका यानी बहुत ज़्यादा परहेजगार अल्लाह।, अल्लाह से बहुत डरने वाले इन्ना अकुम इन अल्ला ही बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज़्ज़त वाले कौन हैं जो अतका हैं तो सिद्दी के अकबर की शान भी बयान हुई हमें पैगाम मिल गया हम तकवा इख्तियार करेंगे तो कामयाब होंगे वरना नहीं, नहीं। वरना ऊँची गए आपसे कहलवा रहा हूँ आपको याद हो जाए डरो कोई नहीं देख रहा मगर अल्लाह गलती हो जाए शर्मिंदा हो जाए माफी चाहें अकड़े नहीं इतराएँ नहीं तकबर गुरूर न करें हैं नहीं जी बस यू मैं जी यूँ जी आहा बड़ी बो बड़ी बात बड़ा बोल नहीं बोल रहा